नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अमृत वेला क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, 3 से 5 के समय में क्या होता है, कैसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। क्या आप देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, अलग अलग तरह से जब साधक ध्यान भजन पूजा पाठ करता है तो उसका अलग अलग फल मिलता है। जैसे किसी नदी तालाब पर कोई अगर ध्यान पूजा पाठ करता है तो उसे 10 गुना फल मिलता है। कोई पहाड़ों पर्वतों पर अगर ध्यान करता है तो उसे 100 गुना फल मिलता है, और कोई देवालय में ध्यान करता है तो उसे 1000 गुना फल मिलता है, और कोई पूर्णिमा को, अमावस्या को, दिवाली को, होली को, किसी त्यौहार में अगर ध्यान करता है तो उसे 1000000 गुना फल मिलता है, और वही फल ब्रह्म मुहूर्त में रोज मिल सकता है। तो आज ये अनुभव ब्रह्म मुहूर्त में हमें भी हुआ, पहले भी कई बार हुआ, लेकिन आज एक विशेष अनुभव हुआ। इसमें आपके जो अनुभव होंगे, आपके ईष्ट आपको दर्शन दे सकते हैं, आपके गुरुजन आपको मिलने आ सकते हैं, आपके जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके आपको दर्शन हो जाएंगे। इसी का जो अनुभव है उसी के विषय में, उसी के आधार पर आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से का जो समय है वो 3 बजे से 5 बजे का है। आप इस ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो ये समय देवी देवताओं का भी होता है। वो इस समय पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। जो साधक होते हैं, ध्यानी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वो इस समय उठकर ध्यान भजन करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। अब इससे क्या क्या लाभ है वो भी आपको बताते हैं। जो नॉर्मल साधक होता है या आम व्यक्ति होता है वो इस समय उठने में बहुत ही आलस्य करता है और वो नहीं उठता। लेकिन जो साधक होता है वो इस समय उठता है। और इस समय आपने सुना होगा कभी कभी, जो सुबह का सपना आता है वो सच होता है। वो सपन में या तो आप साक्षात उससे मिले होते हैं, उस आत्मा से, या वो घटना घटने वाली होती है, तब वो सुबह अमृत वेले के समय में जो सपना आता है वो सच हो जाता है। अब दोस्तों, जो ये सपना आते हैं तो हमें ये पूर्वज हमारे क्यों कहते थे कि कई सपने सुबह सच हो जाते थे, वो इसी वजह से क्योंकि इस समय जो देवी देवता वो सभी विचरण कर रहे होते हैं, सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सभी गुरुजन आपके वो सारे विचरण कर रहे होते हैं, और जो व्यक्ति इस समय हवन, मंत्र जाप, ध्यान, पूजा, अर्चना जो भी करता है तो उसमें ब्रह्मांड से एक ऊर्जा के साथ वो जुड़ जाता है। इस ऊर्जा से जुड़ने से भौतिक में भी फायदा होता है शरीर को और आध्यात्मिक में भी। इससे भौतिक शरीर में जो ताजी हवा आती है वो
उस शरीर को जब छूती है तो इस शरीर को वो रोग मुक्त करने लगती है, इसे स्वस्थ करने लगती है। और उसी ऊर्जा में एक सूक्ष्म ऊर्जा भी होती है जिसे कॉस्मिक ऊर्जा भी कहते हैं, परमेश्वर की शक्ति भी कहते हैं, वो भी उस शरीर को मिलती है। और वो आपके दूसरे शरीर को मिलती है, आपके प्राण शरीर को मिलती है, जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है उसको ये ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से आपका आंतरिक मन भी शुद्ध होने लगता है और आप भी उस ध्यानी से, आत्मा से, परमात्मा में मिलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक और भी फायदा होता है जब आप ध्यान करते हैं इस समय उठकर, तो जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है वो आपके पास आपके शरीर में संशोषित होती है, जब आप उसे सोख लेते हो तो आपका जो ऑरा है वो भी बढ़ने लग जाता है, शरीर के ऑरा मजबूत होने से आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा छू नहीं पाएगी। नेगेटिव ऊर्जा का अर्थ है कोई भी भूत प्रेत आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपका आपकी जो ऑरा की जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो एक आग की तरह है, जब आग तेज हो तो उसमें कोई नहीं जाएगा। इसी तरह जब आपका ऑरा तेज हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए अपने ऊर्जा को, ऑरा को भी बढ़ाने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस अपने ऑरा को बढ़ाएं। लेकिन ऑरा कैसे कम हो जाता है हमारा, या बिखर जाता है, टूट जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? जो लोग मांस मदिरा, मांस का प्रयोग करते हैं खाने में, शराब का प्रयोग करते हैं, कोई नशा करते हैं कोई भी, या ज़्यादा काम वासना में, संभोग में लीन होते हैं, उनमें ये ऊर्जा कम होती रहती है और उसका ओरा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर और ओरा में एक तो बीमारियां भी लगती हैं, दूसरा जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो भी प्रवेश कर जाती हैं। तो दोस्तों, आपने ऑरा को अपने मजबूत करिए, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जिसमें आप बीमारियों से भी बच जाएंगे, शरीर भी आपका स्वस्थ हो जाएगा, भूत प्रेतों से आप बच जाएंगे, देवी शक्तियों का दर्शन कर पाएंगे, ये काफ़ी लाभ होंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही आप संकल्प करें और ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। तो दोस्तों, अगर आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि और भी लाभवर्धक जानकारियां आपको मिल सकें। नोटिफिकेशन पे भी बटन पे, बेल बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जो भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बहन हैं, अगर उनका भी आप भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस को उन तक पहुँचा दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा पाएं। तो इसी के साथ दोस्तों, विदा लेता हूँ। धन्यवाद।